Ouch! What nonsense! क्या है ये? कितनी बार मना किया है? इस तरह कॉलेज में पानी नहीं बहाने का? दिमाग नहीं तेरे पास? चलते फिरते इंसान की हड्डियां तोड़ दे। ताई मैं पानी बहा नहीं रही थी। वो आज एकादशी है ना, इसलिए घर धो रही थी। सच में दिमाग नहीं ना तेरे पास? है ना? प्रूफ कर दिया तूने। कहाँ है पाटिल जी? हाँ? बुला पाटिल जी को। पाटिल जी! अरे ताई मैं पूरा पानी आगे तक साफ कर दूंगी। आज ना घर धोने से ना सारे पाप धुल जाते हैं। ओ प्लीज, ये अपनी फालतू बकवास अपने पास रख और मेरा दिमाग मत खराब करना। हाय थिंक कुछ ना कुछ खुराफात करती रहती है। आज तुझे मैं ना सबक सिखा के रहूंगी। पाटिल जी, पाटिल जी यहाँ आइए। अरे प्रियंका जी, ये देखिए, ये क्या किया है? ये आपकी वाइफ ने। अरे आज मैं गिरते गिरते बच गई। आज तो आपकी वाइफ ने ना मेरी हड्डियाँ पक्का तोड़नी थी। प्रियंका ताई, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के पानी डाल दिया आप पे। गलती करती हो और जबान लड़ा रही हो एक रिस्पेक्टफुल औरत से? बोल माफी मांगे। माफी मांग, चप्पल निकाल तो दे। ए माफी मांग। वही नहीं मांग लो ना माफी। सॉरी। चल, तेरी वजह सुना पड़ता है। क्या चाहती है तू? मैंने क्या गलत किया? वो घर धो रही थी। गाँव की? अरे ये तेरा गाँव नहीं है, मुंबई है। यहाँ धोना होना नहीं चलता। सोचता हूँ इसे कुछ बोलो। दादा आपका ऑफिस को लेट हो रहा है, आप जाइए ना। क्या जाऊँ ऑफिस? मरते मरते इस गौठी को मेरे गले मार के। वहीनी मॉम बाहर है तो क्या हुआ? मैं सुबह सुबह अपना टॉप नहीं उतारूंगी। अच्छा ठीक है, निकालूंगी पर सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पर उसके बदले तुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू मुझे परसों पब ले जाएगा, ठीक है? मुस्कान, ये क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं मॉम, वो सेल्फी मोड पर ना कैमरा रखकर मैं चेक कर रही थी मेरा वेट कम हुआ है कि नहीं। और आप ही हमेशा मुझ पे इतना शक क्यों करते हैं? अगली बार से आप आओगे ना रूम में तो दरवाजा नॉक करके आना। ऐसे किसी के भी रूम में घुसना बैड मैनर्स होता है। मेरी भी तो कोई प्राइवेसी है। बेटी की कब से होने लग गई माँ से प्राइवेसी? मुस्कान मुझे मत बना, अगर तू नहीं सुधरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? अब चल बाहर नाश्ता कर ले। आप जाओ मैं आ जाऊंगी। ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, चल। रहने दो मैं कर लूंगा, तुम जाओ। क्या है ये? हाँ 24 घंटे फोन पे लगी रहती है। हाँ करती क्या है तू? फोन दो मम्मा। नहीं दूंगी। अरे और प्लीज आप ना नेक्स्ट टाइम से मेरा फोन मत टच करा करो। और ये क्या है? किट 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 कहाँ आ रही हूँ, दिख नहीं रहा है आपको? इतना ही बोल लो तुझे, लेकिन कभी नहीं समझ में आने वाला है। ढीट की ढीट ही रहने वाली है। पकड़ ब्रेड खा ले। मुस्कान सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है मॉम। ठीक है जा रही हूँ मैं भी काम से बाहर, ठीक है? तू भी यहाँ से सीधे क्लास और क्लास से वापस सीधे घर, ठीक है? बीच रास्ते में कोई ना मिलना चाहिए और ना ही घर के बाहर कोई दिखना चाहिए, समझ में आई बात? समझ गई मॉम। ओके थैंक यू। प्रियंका सिंह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
अरे मैडम आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या है भैया, थोड़ा शिफ्ट कराओ ना, तो बैठने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। नीरज अच्छे से चेक कर। जी मैडम। मैडम आप फालतू में टाइम वेस्ट करिए अपना, कुछ भी तो नहीं है मैडम। मैडम आपको कुछ चाय पानी चाहिए तो एक सेकेंड। कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने और एक सरकारी कर्मचारी को घूस देने के जुर्म में एक मिनट के अंदर तुम्हें जेल के अंदर करवा सकती हूँ। मोबाइल दीजिए। लीजिए। हमें पक्की खबर है आप गोडाउन की आड़ में हवाले का धंधा करते हैं। पासवर्ड बताइए। खुली किताब है मैडम, कोई पासवर्ड नहीं है। मैडम सब बक्से खाली है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, सब खाली बॉक्स है। ये मैं अभी गोडाउन शिफ्ट कर रहा हूँ मैडम, आदमी लोग आ रहे हैं मेरे अभी शिफ्टिंग के लिए। लाइए मैडम मेरा मोबाइल दे दीजिए। चलो नीरज एक सेकेंड। नीरज तोड़ दो इसे। जी मैडम। चाबी दीजिए। मैडम चाबी दीजिए। मैं निक तो अभी तेरी कॉलोनी के बाहर से मुझे ऑटो मिल जाएगा, चलता हूँ मैं। हाँ, ठीक है बाबा। हाँ। एक बार इनसे मिलके जाते ना। चिंता मत कर, मैं गोविंद से फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है चलता हूँ। ठीक है बाबा। हाँ। यही है वो प्रियंका सिंह। बाहर से अच्छा खाना खा के आया हूँ। मैंने ना लड्डू बनाए हैं, एक मिनट। मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना।
आसपास बगा कहीं मेरे तक। इसका चेहरा तो पूरी तरह से कुचला गया है। सर ये आई कार्ड मिला। प्रियंका सिंह इनकम टैक्स ऑफिसर। अरे तो कुछ दिन पहले न्यूज में थी। जी सर। आसपास का एरिया स्कैन करो, मर्डर वेपन मिलना जरूरी है। सर ये निशान देख रहे हो टायर के, और ये निशान देख के लगता है ये बिना गियर वाले टू व्हीलर के निशान है। जी सर। साहब इसके फोटोग्राफ्स निकालो, सर्कुलेट कर दो। सर सर क्या ये हो सकता है कि इसे कहीं और मारा गया और टू व्हीलर पे यहाँ लाके डंप कर दिया गया? नहीं नहीं, टू व्हीलर पे बॉडी कैसे लाएंगे? इसको यहाँ बुलाया और बाद में इसको मारा। सर सर बॉडी के पास कोई ज्वेलरी नहीं मिली। सर हो सकता है ये मर्डर का मकसद चोरी या लूट मारो। हो सकता है। आसपास के ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करो, आज कोई ज्वेलरी बेचने आया था। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सुबह सवेरे आयकर अधिकारी प्रियंका सिंह की बेरहमी से की गई हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस डिपार्टमेंट पर तुरंत कार्रवाई करने का प्रेशर बढ़ने लगा। प्रियंका सिंह मशहूर थी तो इस केस के विवादास्पद होने के पूरे आसार थे। ऐसे में पुलिस को बड़ी मुस्तैदी के साथ और सतर्कता के साथ छानबीन करने के आदेश दिए गए, और साथ ही इस बात की भी हिदायत दी गई कि मीडिया में कोई भी बात लीक ना हो। ये हमें बॉडी के पास से मिला था, क्या ये सब कुछ तुम्हारी मम्मी का है? मुस्कान मे भी मुझे लेट नाइट औरंगाबाद जाना पड़े, कुछ दिनों में लौट आऊंगी। मुस्कान फोन साइड में, कुछ बोल रही हूँ मैं। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े, आ जाऊंगी थोड़े दिनों में, लेकिन तब तक मेरे पीछे अपना और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और किसी भी चीज की जरूरत हो रंजना से बोलना। तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कुछ बताया था कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? चार पांच दिन के लिए आती जाती रहती है। किसी के साथ बात करते हो सुना था? किसी के साथ झगड़ा, डिस्कशन? सर मम्मा के एक जूनियर है तेरा जंकल, उन्हीं को पता होगा। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? सर पापा और मम्मा का डिवोर्स हो चुका है, मम्मा के कोई रिलेटिव भी नहीं है, हम दोनों ही यहाँ रहते थे। तुम्हारे पापा और मम्मा के जूनियर नीरज अंकल, उनका नंबर दे देना, और तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे पर्सनल कॉल करना, मजा नंबर दे दिया। सर जाइए आप। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के मर्डर के कई पहलू हो सकते हैं प्रताप। एक काम करो, ये प्रियंका सिंह, इसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पता करो, और उसका एक्स हस्बैंड और जूनियर नीरज उसके साथ बातचीत करो। जी सर, मैं प्रियंका सिंह की मोबाइल डिटेल्स भी निकलवाता हूँ। और एक बात पता करो, ये प्रियंका सिंह पिछले कुछ दिनों में किसके साथ मिली थी, उसने किसके साथ बातचीत की थी, हो सके तो सीसीटीवी फुटेज भी क्लिक करो। राइट सर, इससे हमें ये पता लग सकता है कि प्रियंका सिंह मर्डर स्पॉट पे खुद गई थी या उसे बुलवाया गया था। प्रताप मुझे लगता है उसको बुलवाया गया था, क्योंकि उसकी बेटी मुस्कान, उसने क्या कहा था पता है? वो औरंगाबाद जा रही थी। हो सकता है मुझे औरंगाबाद जाना पड़े। और उसका मर्डर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ है जो गुजरात की तरफ जाता है। सर ये प्रियंका सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके सर को पीछे की तरफ से पत्थर से मारा गया था। सर ये टायर के निशान की रिपोर्ट्स भी आ गई है। सर आपका अंदाजा सही था, ये किसी स्कूटी टाइप टू व्हीलर के टायर के निशान है। प्रियंका के पास टू व्हीलर है? नो सर, कोई टू व्हीलर नहीं था। फिर तो दो ऑप्शन हो सर, या तो उसको कोई जान पहचान वाला टू व्हीलर पे लेके गया, या तो किसी ने उसको वहां बुलाया, उसका मर्डर किया और ज्वेलरी लेके भाग गया। सर मैं एरिया के सभी ज्वेलर्स के साथ टच में हूँ, अब तक कोई चोरी की ज्वेलरी बेचने आया नहीं। एक काम करो प्रताप,
ये टायर कौन से कंपनी के पता करो, ये फोटो अपने टीम में सर्कुलेट कर दो और एक टीम स्कूटर को ढूंढने के लिए भेजो। सर प्रियंका सिंह के जूनियर नीरज पटेल से बात हो गई, वो आज पुलिस स्टेशन आने वाला है। और उसका एक्स हस्बैंड? तो उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मेरा तेरे लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं। नंबर डिलीट कर देने का और मुझसे कांटेक्ट भी नहीं करना। वैसे तो मैडम ने बड़े बड़े लोगों के घर पे इनकम टैक्स के रेड मारे सर, अभी हाल फिलहाल उन्होंने वो बंसीलाल जुमानी के घर रेड मारा था। टैक्स चोरी की सजा 6 महीने जेल या फिर 25 लाख रुपए जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। मैडम यह सब कुछ करके आपका क्या फायदा होगा? मैडम ये 50-50 मतलब आधा आप रख लीजिए मैडम। नीरज प्लीज दिखाओ मुझे। मैडम मैंने जानकारी निकाली है कि आपके घर में आपकी जवान बेटी है, मुस्कान नाम है उसका, सुना है बहुत खूबसूरत है। 2 दिन का टाइम दे रही है, चुपचाप शराफत से टैक्स भर दो, वरना तुम तो खुद समझदार हो ही ना, तब तक ये तुम्हारी अमानत हमारे पास रहेगी। चलो नीरज जी, ये सब कुछ हमारे कस्टडी में ले लो। जी मैडम। प्रियंका सिंह, ये जो थप्पड़ मार के तुमने नया रिश्ता बनाया ना, इसका अंत मैं लिखूंगा। दी एंड। वो तो सब दिखावा था सर, ताकि बंसीलाल डरे। समझा नहीं। मैडम केस को बाहर के बाहर सॉल्व कर देती थी, कहने को रेड भी मार दिया और अंडर टेबल बहुत कुछ ले भी लिया। तो ये बंसीलाल के साथ ऐसा कुछ किया था मैडम? वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन हम 1 फरवरी की रात को मैडम बंसीलाल को मिलने वाले थे। वो बंसीलाल जुमानी आपसे लेट नाइट मिलना चाहता है। ओके। अब मिली कि नहीं मिली वो नहीं मालूम। ये प्रियंका सिंह के किसी रिश्तेदार को जानता है? ज़्यादा नहीं साहब, लेकिन हम एक बार एक रिश्तेदार के पास मुझे ले गए थे मैडम कांदिवली में सर। ठीक है, वो प्रियंका सिंह के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देना। जी सर। हाँ सर, मैंने मैडम को सेटलमेंट के लिए बुलाया था, लेकिन उस रात मैडम आई ही नहीं। ये तो तुम कह रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ आई तो तुमने उसे ही सेटल कर दिया और बॉडी को ठिकाने लगा दिया। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं सर मैं व्यापारी आदमी हूँ सर, आपको गुंडा बदमाश लगता हूँ क्या मैं? हमें सब पता है तुम क्या करते हो, पर इन्वेस्टिगेट करके सब बाहर निकालेंगे, लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं होता शहर छोड़ के बाहर मत जाना। ठीक है सर। जाओ। सर देखिए ये आदमी, सर इसे वारदात से 1 रोज पहले प्रियंका को सुबह से लेके सर रात घर पहुंचने तक साये की तरह पीछा किया सर। तो सीसीटीवी कैमरा से देख के यही लग रहा है कि प्रियंका को इसका पता भी नहीं चला। अरे गाड़ी का नंबर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पता करो आरटीओ से किसकी गाड़ी है। सर सुनील मोरे। हाँ बोलो। अरेस्ट करा याला। एक सर पर केले का। सर क्या किया मैंने? इनकम टैक्स ऑफिसर प्रियंका सिंह का मर्डर हुआ है, और मर्डर के 1 दिन पहले तुम उनको फॉलो कर रहे थे, हमें शक है उनका मर्डर तुमने किया। चला रहे क्यों? एक मिनट लगाए रहे। सुनील मोरे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, सॉरी मुझे ऊपर से ही ऑर्डर मिले थे प्रियंका सिंह को फॉलो करने के। सर मैं भी हैरान हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो प्रियंका सिंह को अरेस्ट करने वाली थी पर उसको किसी ने मार दिया। उसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की थी क्या? नहीं सर, पर बहुत दिनों से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी उसके ऊपर, हमारे पास बहुत सारे सबूत भी थे और इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था ताकि दूसरे दिन ऑर्डर मिलते ही मैं उसे अरेस्ट कर सकूं, लेकिन उसके पहले ही तृप्ति बोलो। सर मैं प्रियंका सिंह की कॉलोनी से बोल रही हूँ।
सर यहाँ पे जितने भी स्कूटर थे मैंने चेक किए, पर क्राइम स्पॉट पे मिले टायर के निशान किसी भी स्कूटर के टायर से मैच नहीं कर रहे। इस केस में हमारे पास ये एक ही लीड था, पर अब ये भी काम का नहीं रहा। और तुम एक काम करो, स्टार मार्क्स को खबरी को देके प्रियंका सिंह की कॉलोनी में चेक करने के लिए कहो। सर तुम क्राइम स्पॉट पे वापस जाओ, उसके आगे की पूरी एरिया को अच्छे से कोम करो। कातिल ने जिस पत्थर से प्रियंका सिंह का मर्डर किया है, हो सकता है उसने वही फेंका। ओके सर। दीदी खाना खा लो। नहीं खाना, तुम जाओ। थोड़ा सा खा लो। तू जा और कल से काम पर मत आना। ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी? मैडम जी ने आपका ख्याल रखने को बोला था। पैसों का टेंशन मत लो आप, मैडम जी ने बहुत मदद की थी मेरी। रंजना मुझे अकेले रहना। गेट आउट। आई सेड आउट। नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में बताया था, उससे बातचीत हो गई? सर उससे बात होती है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर समर्डर लोकेशन से ईमेल है। गुड जॉब प्रताप, इमीडिएट इसको फॉरेंसिक को भेज दो। सर ऐसा क्या करते हो बाबा? वो बेटी है मेरी, पत्नी है तुम्हारी। अरे पत्नी नहीं, पनौती है मेरे लिए वो। टेंशन के सिवा दिया क्या तेरी बेटी ने मुझे? आई ने कसम दी इसलिए शादी की, वरना कब का घर पे छोड़ दिया होता तेरे। ये देख तेरे लिए साड़ी लाया हूं। क्या है तेरी आई तो रही नहीं, जो मुझे समझ में आया तेरे लिए लेके आया हूं। ये कुछ मिठाइयां हैं और इसमें फल है। कैसी लगी साड़ी मनीषा? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? आई की याद आई क्या? नहीं पापा। तो अरे हुआ क्या है, बोल ना। कुछ भी ठीक नहीं है पापा, कुछ भी ठीक नहीं। शादी को 6 महीने हुए, एक बार प्यास नहीं देखा उन्होंने मुझे। बाबा मेरा मन नहीं लगता यार, आप मुझे अपने साथ ले चलो ना। क्या फेड़ी मिली, क्या बोल रही है तू? सब ठीक होगा, तू ना तो साई बाबा पे विश्वास रख, वो सब ठीक कर देंगे। बाबा वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, सारा दिन उस पड़ोसन प्रियंका की तारीफ करते रहते। वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, ऑफिस जाती है, अकेली रहती है, एक लड़की को संभालती है, बस यही सब सुनती रहती है। स्कार्ट। वो मर्दों की आदत होती है तुलना करने की, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुझे पसंद नहीं करता। मेरी बेटी लाखों में एक है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। सर प्रियंका सिंह की मेड रंजना आई है। बुलाओ उसको। बोलो। साहब मुस्कान मैडम सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड शाश्वत को घर लाने के लिए मेरे को काम से निकाल दिया। दुखी है, उसकी माँ गुजर गई है,
कोई तो चाहिए ना बातचीत करने के लिए। नहीं नहीं साहब, वो लड़का ठीक नहीं है। मैडम जी ने मेरे सामने बेबी जी को उस लड़के के कारण थप्पड़ मारा था। मुस्कान, आइंदा इस लड़के से ना मिलना नहीं तू। और तू दोबारा मेरी बेटी के आस पास भी दिखाई दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। Get lost! सब मुस्कान और शाश्वत के पीछे हमने अपना खबरी लगाया है। ये मुस्कान का बाप कौन है? पता नहीं साहब, कभी देखा नहीं। ठीक है जाओ तुम, फिर से बुलाऊंगा, आना पड़ेगा। जी साहब। जाओ। रोको तो। इसे बोल माफी मांगे। माफी मांग? मैंने लड्डू बनाए अपने हाथों से, खाइए ना। सर, प्रियंका के जूनियर नीरज ने प्रियंका के जिस रिलेटिव के बारे में हमें बताया था उससे मेरी अभी अभी बात हुई। उसने बताया कि प्रियंका के एक्स हस्बैंड का नाम आशुतोष कुमार है, बिहार का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मुंबई में। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया। वो मुंबई में क्यों आया? अपनी बेटी मुस्कान से मिलने, और इस बात को लेकर उसका प्रियंका के साथ झगड़ा भी हो गया। प्रियंका के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर वो तृप्ति फॉलोअप कर रही है। हाँ सर, प्रियंका से मेरा झगड़ा हुआ था। देखो तुम्हें अपनी माँ की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी कभी नहीं सुनती। सुनना भी नहीं चाहिए। अरे वो कौन सी बड़ी आइडियल औरत है जो तुम्हें सीख दे? और एक बात याद रखना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हम दोनों को दूर कर सके। ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। तुम जैसा चाहे जी सकती हो, जिससे चाहे तुम मिल सकती हो, जो करना चाहे तुम कर सकती हो। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, किसी की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं मम्मी की ना ही कभी सुनती थी और ना ही कभी सुनूंगी। हम दोनों हमेशा से एक थे और एक रहेंगे। मुस्कान चलो अंदर। मुस्कान मैंने कहा चलो अंदर। सुना नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ अंदर। और तुम अपनी हरकतों से बास नहीं होगे ना? अभी निकलते हो यहाँ से या फिर बुलाऊं पुलिस को? प्रियंका तुम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते मेरे साथ। ये तुम्हारा सो कॉल्ड एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ यही है मेरा एटीट्यूड। थैंक यू वेरी मच। अब निकलो यहाँ से। तो क्या है ना सर कि उसको इसी तरह की भाषा समझ में आती। तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था? प्रियंका ने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपनाया और इस बात को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। हम दोनों में मतभेद बढ़ते गए और हमारा रास्ता अलग हो गया। अब जब रास्ता अलग हो गया सर तो डिवोर्स तो होना ही था। तुम्हारे बच्ची को तुम मिलते हो ना चोरी छुपे, क्यों? एक मजबूर बाप क्या कर सकता है सर। मुस्कान का कस्टडी का केस में हार चुका था और हार नहीं था, मेरे पास उसके जैसे घूस के बहुत सारे पैसे नहीं थे ताकि मैं महंगा वकील करता। पर इसी बात का गुस्सा तुम्हें था। तुम्हारे बच्ची को पाने का दूसरा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तुमने प्रियंका को मार दिया या मरवा दिया। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं एक इज्जतदार गवर्नमेंट सर्वेंट। तो बच्ची से तो प्यार करते हो ना? कौन बाप नहीं करता बेटी से प्यार। मुंबई में कहाँ रहते हो, किससे मिलते हो, सब डिटेल दे के जाना। तो जब तक केस चालू है शहर से बाहर नहीं जा। जी सर। सर प्रियंका की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई है। कुछ सस्पिशियस मिला? सर प्रियंका सिंह का एक नंबर पर काफी बातचीत हुई। किसका नंबर? सर गोविंद राम पाटिल, वो एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर है सर। और सर एक और बात, गोविंद राम पाटिल और प्रियंका सिंह पड़ोसी भी हैं। सर ये गोविंद पाटिल का घर है और प्रियंका सिंह वहां रहती है। पहले गोविंद पाटिल से बात करते। गोविंद पाटिल। जी हाँ सर। तुम्हारी पड़ोसन प्रियंका सिंह को जानते हो? हाँ सर, पड़ोसन हमारी है और उनका कत्ल हुआ। सिर्फ पड़ोसन थी और कुछ? और क्या हो सकता है सर। हमने क्रॉस चेक किया है, उनके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा पता चला है कि तुम उसके साथ देर तक बात करते थे। ऐसे क्या बात करते थे तुम?
अरे पड़ोसन थी तो कॉलोनी कॉलोनी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। मैं बताओ क्या प्रॉब्लम था। प्रियंका सिंह एक करप्ट ऑफिसर थी, उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, उसके ऊपर रेड गिरने वाली थी। तुमने उसको ये टिप दी एक डील करके, लेकिन वो एक दबंग ऑफिसर थी, तुम्हारा पैसा दिए बिना वो निकल गई और तुमने उसको मार दिया। नहीं 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 सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि मैं उनको टिप देता था, मैंने ही रेड के बारे में टिप दी थी, पर मैंने उस उनका मर्डर क्यों करूंगा। अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी सर, आप ही सोचिए, मेरा थोड़ा फायदा होने वाला था बस, और कुछ नहीं। मैं खुद टेंशन में हूँ, मेरी बीवी 4 दिन पहले नासिक के लिए निकली, अभी तक पहुंची नहीं है। तुम्हारी बीवी 4 दिन से गायब है, तुमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखवाई। अरे क्या पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, गुस्से में निकल गई तो मैंने पुलिस स्टेशन आ हाँ प्रियंका सिंह केस के बारे में अपना बयान लिखवा, और उसी वक्त अपने बीवी की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाना। चलो मुस्कान से मिलते हैं। तुम तो बहुत मॉडर्न निकली हैं? तुम्हारी माँ गुजर गई, कुछ असर नहीं हुआ शायद तुम पे? सर मैं बहुत लोनली फील कर रही थी, इसलिए शाश्वत को यहाँ रहने बुला लिया। अच्छा लोनली फील कर रही थी इसलिए ओनली इसको बुला लिया। तुम्हारी माँ ने कहा था ना इससे दूर रहने के लिए? सर मुस्कान का कोई फ्रेंड नहीं है ना, तो मैं यहाँ आ गया सर बस। ए तुम दोनों के दोस्ती के बारे में सब कुछ बताया हमको? हमारे पास एविडेंस है, तुम प्राइम सस्पेक्ट हो, तुम दोनों ने मिलकर प्रियंका सिंह का मर्डर किया है, तुम दोनों को साथ में रहना था ना, किया ना मर्डर? नहीं सर, सही ये पॉसिबल ही नहीं है सर। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है तुमने प्रियंका सिंह का मर्डर नहीं किया? है कुछ प्रूफ? क्यों चला सर? सर नहीं सर, सर 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 मैं सब कुछ सच बताती हूँ। एक्चुअली सर मम्मा का मर्डर नहीं हुआ है, मम्मा जिंदा है। फोन लगा लाउड स्पीकर। हाँ मुस्कान क्या हुआ, सब ठीक है? मम्मा सब कुछ ठीक है, मुझे आपसे मिलना है। मुस्कान मैंने समझाया था ना कि मुझे फोन मत करना, मैं खुद करूंगी सामने से फोन। वैसे भी बेटा हमारा स्वीडन जाने का इंतजाम हो रहा है, बस एक दो हफ्ते में हम लोग इंडिया छोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ठीक है तुम फोन रखो, मैं तुम्हें बाद में दूसरे नंबर से फोन करूंगी, ठीक है? सर प्रियंका का लोकेशन ट्रेस हो गया है मलाडीज की, लाइव कोऑर्डिनेट्स भेजें। प्रियंका सिंह, एंटी करप्शन के अरेस्ट से बचने के लिए तुमने जो भागने का प्लान बनाया बहुत बढ़िया था। अब ये बताओ खुद की स्टोरी छुपाने के लिए तुमने किसका मर्डर किया? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। तो तुम्हारा आयकर लाश के पास कैसे मिला, किसकी लाश थी? मुझे नहीं पता कि वो लाश किसकी थी, मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर इंक्वायरी होने वाली है, तो मैंने भागने का प्लान किया, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया किसी का, सच कह रही हूँ मैं। और इनफैक्ट मुझे ये सब तो मेरी बेटी मुस्कान से पता चला कि पुलिस को एक लाश मिली है जिसके पास से मेरे कपड़े और मेरा आईडी कार्ड मिला, और पुलिस ने मुझे मरा हुआ समझ लिया, तो ये सब सुनकर मैं चुप हो गई और मुस्कान को भी बोल दिया चुप रहने के लिए। तो वो आई कार्ड और तुम्हारे कपड़े लाश के पास क्या चलते चलते गए? और कौन शामिल तुम्हारे साथ? पाटिल मैंने कहा ना कि
पाटिल ने मुझे सिर्फ टिप दिया था कि एंटी करप्शन वाले मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट सर, मेरे भागने से एक दिन पहले मेरा बैग गायब हुआ था। हो सकता है वो जिसने मर्डर किया हो उसी ने सारी चीज़ें चुराई हो और वहाँ वो सारी, मुझे नहीं पता। तुम्हें जो मालूम नहीं ना वो हम बताए, तब तक यहीं रहना, आराम करना। जरा बगा एंटीकड़े सर, अब तो अनआइडेंटिफाइड बॉडी का एक नया केस रजिस्टर करना होगा। ये पाटिल की वाइफ का क्या हुआ? अब तक कोई लीड नहीं मिला है। प्रताप, जिस दिन ये पाटिल की वाइफ गायब हो गई उसी दिन ये मर्डर हुआ है। जी सर। एक काम करो, पाटिल की वाइफ के फादर को नासिक से बुला, बॉडी आइडेंटिफाई करवाओ और जरूरत पड़े तो उनका डीएनए टेस्ट भी करो। सर। और पैर पर तिल है साहब, यही मेरी मनीषा है साहब। मनीषा मेरे बेटी को। तेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी जानकारी है हमारे पास। तू तेरे बीवी से खुश नहीं था ना, इसलिए मार दिया ना उसको। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, वो मनीषा को क्यों मारूंगा मैं? हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता था, एकदम गाउट। वो बिल्कुल साहब, उसकी पर्सनालिटी में मुझे जो चाहिए था ना वो था ही नहीं, एकदम उल्टा। अच्छा, तो प्रियंका सिंह के पर्सनालिटी में सब फिक्सिंग था क्या? क्या बोल रहे हो साहब? मैं मानता हूँ मेरे दूसरे औरतों के साथ संबंध थे। ये मेरा तेरे लिए लास्ट कॉल है, इसके बाद मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं। मैं प्रियंका सिंह को अरेस्ट का सिर्फ टिप दिया, बस और कुछ नहीं, और उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ, आई रक्त की छप्पन। तू जानता है तू झूठ बोल रहा है। जब तक सबूत नहीं मिलता यहीं रहेगा, और जब सबूत मिलेगा तब तू यहीं रहेगा। ये गोविंद पटेल अपनी बीवी से खुश नहीं था और प्रियंका डिवोर्सी थी। मुझे लगता है इन दोनों ने मिलकर ये गेम किया। सर, सर मर्डर वेपन की रिपोर्ट आ गई सर, इसमें दो लोगों के खून के निशान मिले सर, एक मनीषा का है और दूसरा पता नहीं। दूसरा कातिल। एक काम करो, हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट है सबके ब्लड सैंपल्स मैच करवा। सर, वो स्कूटी के निशान का क्या हुआ? सर, खबरी लगा हुआ है। और एक काम करो, वो प्रियंका की मेड रंजन है, उसके साथ फिर से बातचीत करो, हो सकता है उसको पाटिल और प्रियंका के अफेयर के बारे में पता होगा। सर, ये दोनों बहुत पहुंची हुई चीज है, हो सकता है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया होगा, और वो स्कूटी भी उसकी हो सकती है। मैडम, प्रियंका मैडम मनीषा मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आते जाते सुना दिया करती थी, लेकिन एक दिन मनीषा मैडम घर आई थी प्रियंका मैडम से बात करने। ताई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। उन्होंने कमरे में आपस में बात की, मनीषा मैडम जब जाने लगी तो प्रियंका मैडम ने उसे गुस्से से धमकाया था। मनीषा, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है ना वो हम तक ही रहना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। मनीषा और गोविंद के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं थे, और मनीषा अपने पति को खुश रखने की टिप्स लेने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोशी के पास गई थी। वहाँ उसने मेरी बेटी मुस्कान और शाश्वत को साथ देख लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऑपरेशन में दर्द होता है। अरे कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ताई, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ भी हो मुस्कान है तो बच्ची ही, और इतनी छोटी सी उम्र में अपने शरीर के साथ इतना खिलवाड़ करना ठीक नहीं, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, तो ये मर्डर का मोटिव था, यानी एक साधारण घर की लड़की जिसका तुम बार बार अपमान कर रही थी उसने तुम्हारे घर में जो झोल चल रहा था वो आईना दिखा दिया। हाँ, तुम्हें गुस्सा आ गया इसलिए तुमने उसको मार दिया। और एक फायदा हुआ तुम्हारा, तुम्हारे और गोविंद के बीच जो काटा था वो भी साफ हो गया। मैंने मनीषा का मर्डर नहीं किया है, और रही बात गोविंद की, तो मेरे और गोविंद के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, रही है नहीं। सब मोटिव तो इस प्रियंका के पास ही 100%, इतनी शातिर वही हो सकती है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। मर्डर वेपन में मिला खून भी किसी भी सस्पेक्ट के साथ मैच नहीं करता, समझ में नहीं आता क्या करें।
ये गोविंद और प्रियंका दोनों को छोड़ दो। क्या? लेकिन उन पर नजर रखना, अगर वो कल्प्रिट है तो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। सर ये गाड़ी की डिलीवरी आज ही दी मैंने, बहुत दिनों से सर गैराज में थी, उसकी हेडलाइट खराब हो गई थी। कब से थी गाड़ी? गाड़ी पिछले महीने की 28 तारीख से गैराज में ही थी। क्या हुआ सर? तो इस बीच गाड़ी कभी गैराज से बाहर नहीं निकली? नहीं सर, हमारे यहाँ पे क्लाइंट की गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगा था, लेकिन गाड़ी लेने देने के टाइम हम लोग किलोमीटर की रीडिंग नोट कर लेते। देख सचिन, सोच के बताना, मर्डर का मामला है। हाँ साहब, 1 तारीख को रात को गाड़ी गैराज से बाहर गई थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह वापस आ गई थी। किलोमीटर्स नोट किए थे? हाँ साहब। साहब उस रात को 14 किलोमीटर गाड़ी चली थी। कौन लेके गए? सर मर्डर वेपन पे तुम्हारे ब्लड और फिंगरप्रिंट के निशान मिले। हमने ये भी कंफर्म किया कि तुम्हारे गैराज से घर, घर से मर्डर स्पॉट और मर्डर स्पॉट से फिर से गैराज, जो डिस्टेंस है ये 14 किलोमीटर का है, जो तुमने तुम्हारे स्कूटी पे उस दिन ट्रैवल किया था। क्या मिला तुमको किसी को इतना बेदर्दी से मार कर? वो प्रियंका जी मेरे डिपार्टमेंट वाले क्लब को अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। बहुत तगड़ा केस बना है, बचने का कोई चांस नहीं है। मुझे रिस्पेक्ट है ना आपके लिए बहुत, पर वो वैसा नहीं सोचते। उनकी बातें सुन के मुझे आइडिया आया। मैं प्रियंका दीदी के घर तो आती जाती रहती थी, जब वो दोनों बाहर बैठ के बातें कर रहे थे तब मैं प्रियंका दीदी के घर गई। प्रियंका दीदी के घर से मैंने उनका पर्स उठाया और मैं गैराज गई। दादा मेरी गाड़ी तैयार है क्या? मुझे चाहिए अभी। नहीं मैडम, अभी टाइम लगेगा। दादा मुझे जरूरत थी। रुकिए मैं चाबी लाता हूँ। वहीनी सुबह 5 बजे उठ जाती थी, मैं उस रात सोई ही नहीं। मैं वहीनी के उठने का इंतजार करती रही और सुबह होते ही मैं वहीनी के पास गई। अरे संध्या, तुम इतनी जल्दी उठ गई, कहीं जाना है? वहीनी मैं तुम्हारे टेंशन में रात भर सोई ही नहीं। वहीनी मेरे पास ना एक आइडिया है, तुम अपने बाबा के घर चली जाओ, देखना 2 दिन में दादा तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। सच? हाँ, 1 मिनट। वहीनी ये मेरी पसंद की साड़ी है, मेरी आई ने मुझे दी है, इसे पहनना तुम। वहीनी कभी कभी पास आने के लिए दूरियां बनानी पड़ती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, दादा उठने से पहले हम लोग निकल जाते हैं, मैं तुम्हें स्कूटी से बस स्टॉप तक छोड़ के आती हूँ। वहीनी वो देखो वटवृक्ष है, यहाँ पे माथा टेक के आगे चलते हैं, कहते हैं शुभ होता है। फिर मैंने मैकेनिक को अपनी स्कूटी लौटा दी। जब आप लोगों ने मेरे दादा को छोड़ दिया तो मुझे लगा कि मैटर खत्म हो गया, इसलिए फिर से मैंने अपनी स्कूटी मैकेनिक से मंगवा ली। और उस स्कूटी के पीछे हमारी पूरी टीम लगी थी, पर हम तुम तक पहुंच गए। मेरे भाई गोविंद ने मेरी मरती हुई माँ की खातिर मनीषा वहीनी से शादी तो की थी, लेकिन वो मनीषा वहीनी के साथ 1 दिन भी खुशी से नहीं रह सका। मैं अपने भाई को रोज तिल तिल मरते देखती थी। मरते मरते इस गौठी को मेरे गले मार गई। मैं जानती थी कि दादा अंदर से खुश नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस कांटे को मेरे भाई के रास्ते से हमेशा के लिए मैं ही हटा दूंगी। तुमने तुम्हारे भाई के रास्ते का कांटा साफ करने के लिए एक निर्दोष की जान ली, अब यही कर्म तुम्हें जेल तक लेके जाएगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.